तो वैसे तुम लोगों ने यार वो कहावत तो सुनी होगी, भाग भाग शेर आया, लेकिन हाँ स्मैकडाउन में भाग भाग रैबिट आया चल रहा था। हाँ सही, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। WWE का जो गो होम एडिशन था, जो फाइनल एडिशन था एक्सट्रीम रूल से पहले, वो भी फाइनली एंड हो चुका है। स्मैकडाउन में बहुत सी चीजें होती है और वाइट रैबिट पूरे वेन्यू के अंदर घूम रहा था यार। आई मीन दैट साउंड्स वियर्ड बट ट्रिपल एच इज कुकिंग मैन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और मैं खाने बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो होता है जो स्मैकडाउन की ओपनिंग है वो हमारे ट्रिपल एच ही करते हुए नजर आते हैं। ट्रिपल एच के मैसिव चांस लगते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं जब तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी सारी चीजें खत्म होने वाली हैं, एक्चुअल में वही शुरुआत होती है। और वेलकम है तुम सभी का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के एक और सीजन प्रीमियर के अंदर। ऑफकोर्स वहां से पहली जो एंट्री होती है वो हमारी ब्लड लाइन की होती है। रोमन रेंस आते पूरी ब्लड लाइन पूरी पलटन के साथ में, जैसे वो रिंग में आते हैं वो ऑफकोर्स क्राउड को कहते हैं एक्नॉलेज मी करने के लिए। और थोड़ी देर बाद लोगन पॉल की इंटरप्शन हो जाती है। लोगन पॉल आते भाई रिंग के बाहर खड़े रहते हैं, रोमन रेंस खड़े होते हैं, जो क्राउड है वो लोगन पॉल सक्स की जो चैंट से करता हुआ नजर आता है। रोमन कहते देख ये स्मैकडाउन मेरा शो है, तू यहां का गेस्ट हुआ ना, तो भाई अंदर तेरा कोई खतरा नहीं है। और जब लगातार क्राउड सक की चैंट करता हुआ नजर आता है लोगन पॉल को लेकर, जबकि बेबी फेस है रोमन, यहां पर ये कहते हैं इन्होंने आज से कुछ साल पहले मुझे भी ये कहा था और देख आज मैं क्या हूं, मैं हूं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो तुझे ब्लड लाइन के अंदर रहना चाहिए या फिर तेरे को हमसे सीखना चाहिए। और वाइज मैन चल इसे थोड़ी बहुत चीजें बता दे। तो यहां पर उनके जेक पॉल जो कि उनके भाई उनकी बेइज्जती वगैरह करते हुए नजर आते हैं। इवन यहां पर पॉलेमन ये भी कहते हैं कि जो ट्राइबल चीफ है वो स्मैश करके रख देगा लोगन पॉल को, तब जाके लोगन पॉल को पता लगने वाला कि एक्चुअल में उन्होंने किससे पंगा ले लिया और किसे चैलेंज कर दिया क्राउन ज्वेल शो के अंदर। लेकिन लोगन पॉल आखिरी में माइक लेते कहते चलो सब ठीक है, आर्ग्यू मैं कर नहीं सकता तुमसे हेमन, क्योंकि हेमन ही कहते प्रेडिक्शन नहीं स्पॉइलर है। लेकिन लोगन पॉल कहते ये बताओ ट्राइबल चीफ है कौन, वो रोमन रेंज है या फिर जे उसो है, यानी कि भाई दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई डरवाने वाली। यहां पर लोगन पॉल बात करते जे उसो भड़क जाते, कहते मैं बताऊं तू करने का क्या ट्राई कर रहा है, तेरे ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा, काफी तेज भड़कने यू नो ट्राई करते रहते हैं। लेकिन फिर रोमन रेंज आ जाते हैं जे उसो के सामने और भाई बस यहाँ पर एक तरह का स्टेयर डाउन होते थे तगड़ा वाला। और जैसे यहाँ पर चीज़ें सीरियस होने चलती हैं, क्योंकि रोमन रेंज यहाँ पर कहते हैं भाई वो ट्राइबल चीफ है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना, तो जे उसे फालतू में क्यों भड़क रहे हैं। लेकिन उसके बाद सैमी जेन यहाँ पर मामला ठंडा करते हुए नजर आते हैं, कहते कुछ नहीं हुआ भाई, रोमन तेरे ब्लड का ही पार्ट है, तेरी फैमिली का पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। एक्चुअल में जो दिक्कत वाला इंसान है पता कौन है, वो लोगन पॉल है, इसके मारनी चाहिए दो तीन, इसको यहाँ से भगा देना चाहिए। लोगन पॉल यहाँ पर थोड़ा जो मुंह हिलाने वाला साइन अपने हाथों से करते हुए नजर आते हैं। एंड फाइनली सैमी जेन चीज़ों को किसी तरीके से आउट कर लेते हैं। फिर सोलो सिकोवा का मैच होता है, वो फेस करते हैं वन एंड ओनली रिकोशे का, और इस वाले मैच के अंदर आखिरी में लंबा चौड़ा मैच जाता है और सोलो सिकोवा की हो जाती है विक्ट्री, जब वो हमें रिकोशे का फिनिशर डॉज करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर ब्लड लाइन बैठी होती है, लेकिन ऑफकोर्स सोलो सिकोवा रिंग में थे, जस्ट उसके बाद ये वाला सेगमेंट होता है। और यहां पर सैमी जेन बताते किस तरीके से उन्होंने अपने पंखों के नीचे लेके सोलो सिकोवा को आगे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जे उसको कहते हैं अरे घंटा तो नहीं बढ़ाया, वो हमारा भाई है तो अपनी तारीफे बटोरे जा रहा है। और यहां पर वो काफी भड़कता है और वो यहां पर उसको कहते हैं सैमी जेन कि भाई तू तो एकदम गरम मोटर की तरह हो रखा है, तेरा सिर काफी गरम हो चुका है। यहां पर जे उसको भड़क जाते हैं, लेकिन फिर रोमन रेंस कहते हैं हाँ भाई ये सही कह रहा है, तू आजकल काफी गुस्से वगैरह में रहने लगे, सिर्फ हमारी दिक्कत नहीं है, ब्लड लाइन की दिक्कत नहीं है सैमी, तेरी भी दिक्कत है, इसलिए अब तुझे इसे सॉर्ट आउट खुद करना पड़ेगा। शो पर हिटरो की एंट्री होती हुई नजर आती है, हिटरो आती है और जैसे उनकी एंट्री होती है उन पर अटैक हो जाता है दो तीन लोगों की तरह से जो कि मास्क में होते हैं। अचानक से हम लोग देखते हैं टॉप रोप के ऊपर ज़लीना वेगा बैठी हुई है जो कि बी फैब के ऊपर अटैक करती हुई नजर आती है। और अल्टीमेट ये बात पता लगती है ये और कोई नहीं बल्कि दिल लेजिदो फंतास्म जो कि NXT का फैक्शन है, फाइनली सेंटोस एस्कोबार उनकी पूरी पलटन और ज़लीना वेगा ने आके उन्हें ज्वाइन की है। और यहां पर सेंटोस एस्कोबार माइक लेते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते अपने ग्रुप को, कहते हैं भैया बच के रहना क्योंकि तुम्हें दिक्कत वगैरह भी हो सकती है। शो पर राकेल गोंसाल्वेस का भी राकेल रॉड्रिगस और शोर्जी का आमना सामना होता है टैग टीम एक्शन के अंदर, फेस करते हैं सोने डेविल एंड ज़ाया ली का। एंड ऑफ कोर्स इस वाले मैच के अंदर राकेल एंड शोर्जी की विक्ट्री भी हो जाती है। अब हम लोग शो पर देखते हैं एक और तगड़ा वाला सेगमेंट, यहां पर ड्रू मैकइंटायर कैरन क्रॉस तगड़े वाले एक ब्रॉल में हमें दिखाई देते हो तक है क्रॉस की एंट्री होती है और क्रॉस की एंट्री खत्म होने से पहले ड्रू मैकइंटायर पीछे अंडरटेकर बनकर खड़े होते हुए नजर आते हैं। क्रॉस जैसे पीछे देखते हैं भाई उनके ऊपर अटैक हो जाता है, ड्रू मैकइंटायर स्ट्रैप भी लेकर आए थे तो स्ट्रैप से वो लगातार वार करते हुए नजर आते क्रॉस के ऊपर। यहां पर WWE ऑफिशियल और रेफरी वगैरह सब आ जाते हैं रोकने के लिए, लेकिन भाई ड्रू मैकइंटायर कहां रुकने वाले थे, वो उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत अटैक करना चालू कर देते हैं। लेकिन हम लोग देखते क्या है जो स्ट्रैप है उसका इस्तेमाल अब कैरन क्रॉस करते, जैसे हमारे मैकइंटायर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लगातार भाई
उनको तरह का जो रिंग पोस्ट होता है उसके ऊपर दे मारते, उनकी छाती के ऊपर दे बेल्ट पे बेल्ट, दे बेल्ट पे बेल्ट लगातार यू नो स्ट्राइक करते रहते हैं भाई उनकी स्ट्रैप से, पीठ उनकी लालम लाल कर देते। और उसके बाद यहाँ पर जो केरन क्रॉस है इस वाले सेगमेंट के अंदर स्टैंड टॉल होते हुए नजर आते, देखते भाई क्या होता है स्ट्रैप मैच के अंदर जब कल दोनों हमें आमने सामने आते हुए नजर आएंगे। जो पर एक और मैच होता है, इस मैच से पहले एक तरह का सेगमेंट होता है बैक स्टेज के ऊपर जहाँ पर सैमी जेन और रूसोस जा रहे होते हैं। न्यू डे आती है यहाँ पर, एक्सेवियर ये कहते हैं देखो क्या हाल हो चुका है, जे उसे हमारे मेन इवेंट किया करते थे, मेन इवेंट जे उसे थे, आजकल सैमी जेन की बात माननी पड़ रही है। जे उसे यहाँ पर भी भड़कते हैं और यहाँ पर इवन एक्सेवियर फुट ये भी कह डालते हैं कि तेरा दूसरा बाप है ना, ये तेरा दूसरा डैडी है ना, तो रोमन को तो डैडी कहता है सैमी जेन, तेरा दूसरा डैडी हुआ, अच्छा डैडी है कि स्टेप डैडी है तो थोड़ा बता दे। और भाई इसके बाद यहाँ जो सैमी जेन है मैच वगैरह के लिए चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। फिर यहाँ पर टैग टीम एक्शन होते हैं, करंटली न्यू डे एंड ब्रॉन स्ट्रोमन होते हैं, सामने होती है हमारी ब्लड लाइन यानी कि उसोज एंड सैमी जेन। लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर देखो होता क्या है, यहाँ पर जो हमारी न्यू डे एंड ब्रॉन स्ट्रोमन की विक्ट्री हो जाती है क्योंकि भाई जे उसो सैमी जेन आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ पर सैमी जेन कहते हैं भाई तुम उसे ताली वगैरह नहीं मिला रहा मैच के दौरान में, और बस भुगतता जिमी उसको पड़ता, उन्हें फिनिशर पड़ता टैग टीम वाला, दैट इज इट 1, 2 एंड 3 एंड ब्रॉन स्ट्रोमन एंड न्यू डे की विक्ट्री हो जाती है शो के ऊपर। अब होता है शो का मेन इवेंट, बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर, ये लाइन शेमस ने कही है, एकदम सही कही है। गंथर और शेमस का आमना सामना होता है, ये होता है रीमैच फॉर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड भाई साहब अगर तुमने ये नहीं देखा स्मैकडाउन के शो में तुमने कुछ नहीं देखा यार, इसे जाके देखो मैच को, इतना कमाल का मैच था यार मैं बता नहीं सकता। इवन मैच में एक ऐसा पॉइंट भी आता जब गंथर टैप आउट कर देते हैं लेकिन शेमस का ये जो विक्ट्री वाला मूवमेंट था वो रेफरी नहीं देखते, तो भाई होना क्या था इस वाले मैच के अंदर। अच्छा गंथर की तरफ से बहुत कमाल की परफॉर्मेंस आती है, शेमस भी भाई किसी से कम नहीं थे, आई मैं ये कह सकता हूँ शेमस एक तरह का बहुत कमाल के मैच दे रहे हैं यार रिसेंट टाइम में। अब होता है कि एंडिंग के अंदर इंपीरियम आती हुई नजर आती है, इंपीरियम गंथर के हाथ में किसी तरीके से एक रॉड टाइप से पकड़ा देती है, उससे वो आखिरी में क्लोथ लाइन देते हैं शेमस को आउट ऑफ नोवेयर जब ब्रो किक जस्ट वो लगाने चलते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे आज ऐसा लगा था कि शेमस न्यू चैंपियन बन जाएंगे लेकिन गंथर की आखिरी में विक्ट्री हो जाती है। और शो की एंडिंग में भी ब्रॉलिंग ब्रूट्स भाई ब्रॉल करते रहते, आखिर एक्सट्रीम रूल्स के अंदर भी इनका डॉनी ब्रुक मैच होने वाला, तो ये कुछ था आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो। लेकिन बात करते हैं एक और स्ट्रेंज और वियर्ड चीज के बारे में जो कि स्मैकडाउन में होती है, और व्हाइट रैबिट रिंगा रिंगा रोजेस करता हुआ नजर आ रहा है स्मैकडाउन के वेन्यू के अंदर। एक वीडियो क्लिप आप लोग देख पा रहे होंगे, सिर्फ वीडियो क्लिप ही नहीं यहां पर भाई बहुत से फैंस ने स्पॉट किए, इवन एक बार जब वेड बैरेट और हमारे माइकल को कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे थे उसके पीछे वो बंदा व्हाइट रैबिट वाला खड़ा हो जाता आके। और जिन लोगों को लग रहा है WWE का कोई बंदा नहीं है ये ऐसे ही जैसे फैन है जो कि बनकर आ गए, भाई एकदम गलत सोच रहे हो। यहां पर WWE वालों ने जब मैंने उनकी ऑफिशियल गैलरी में जाके चेक किया ना स्मैकडाउन की, तो उसमें उन्होंने व्हाइट रैबिट की भी स्पेशली फोटो खींची हुई है, तो भाई ये कोई इंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बंदा WWE वालों का था। और ट्रिपल एच अलग लेवल से व्हाइट रैबिट वाली चीज को हाइप करने का ट्राई कर रहे हैं, और व्हाइट रैबिट किस तरीके से ब्रे व्हाइट या फिर फीड है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल दी, तुम लोगों ने देखी ली होगी, अगर नहीं देखी जाके देखो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड भाई इसके बारे में क्या सोच रहे थे, पूरे वेन्यू के अंदर हमारे व्हाइट रैबिट रिंगा रिंगा रोजेस करते हुए नजर आ रहे थे, काफी लोग ये पूछ रहे थे कि भाई क्या ये बंदा ब्रे व्हाइट हो सकता है, तो मे भी क्योंकि इस बंदे का जो चलने का अंदाज वगैरह है मुझे वो ब्रे व्हाइट जैसा लगा था, बाकी मैं कंफर्म नहीं बता सकता, मुझे हाइट वगैरह याद नहीं ब्रे व्हाइट की। तो भाई ये कुछ थी आज की पूरी वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसके बाद एक और वीडियो आएगी, हम लोग रात को लाइव भी करेंगे, मे भी उसके बाद एक और वीडियो आएगी, मतलब वीडियो आएंगी, इसलिए स्टे ट्यून रहना चैनल के ऊपर। एंड बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई फटाफट से नीचे वीडियो को तो लाइक कर ही देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना। और मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय टेक केयर।